हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? और आप सुन रहे हो ये नमक पारे की जो आवाज़ है कितनी ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनी है, आप देख पा रहे हो। बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनती है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम परफेक्ट तरीका से मिनी निमकी की रेसिपी, एकदम ही बहुत ही बढ़िया बनेगी। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बना करके देखिएगा अपने घरों में, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। एकदम छोटी छोटी बनती है और दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, खाने में बेहद ही अच्छी लगती है। चाय के साथ आप इसे खाए और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपको मैं एक तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हाथों में एकदम चूर चूर हो जा रहा है, इतनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। तो बिना देरी किए हुए चलिए फिर रेसिपी को फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ले लेना है एक बोल जिसमें आप आटा गूंथोगे, और मैंने लिया है यहाँ पे एक कप मैदा। और अब हम इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून नमक, और हाफ टी स्पून मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कलौंजी। और इसे पहले हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैंने लिया है 3 चम्मच ऑयल। ऑयल को डाल करके हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप चाहो तो घी या फिर डालडा भी ले सकते हो। इस ऑयल को आप जितना अच्छे से मिक्स करोगे, आपका जो निमकी या नमक पारे आप जो भी बोलते हो, इतनी ज़्यादा खस्ता बनेगी। इस तरीके से आप एक बार ये निमकी की रेसिपी ट्राई करिएगा, इतनी ज़्यादा परफेक्ट बनेगी, मैं आपको गारंटी देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी ये रेसिपी। और ऑयल को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब मैं हाथों में मुट्ठी बांध कर देख रही हूँ तो इसका जो मोयम है वो परफेक्ट लगा है। और अब मैंने लिया है 1 कप पानी। पानी को हम थोड़ा थोड़ा डाल करके इसका एक सख्त आटा लगाएंगे। इसका आटा सख्त ही लगता है, आपको नरम बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर आप इसका आटा नरम लगा दोगे तो फिर जो आपका नमक पारा है वो उतना अच्छा नहीं बनेगा। और आप देख पा रहे हो मैं इसका आटा कितना मैंने सख्त लगाया है, ये देखिए। इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आपका इसका आटा लगा लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसका आटा लगा करके तैयार कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा सख्त आटा है, ये देखिए। और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तो 20 मिनट के बाद आप देख सकते हो जो आटा है हमारा वो अच्छे तरीके से फूल चुका है, और पहले से थोड़ा सा आपको नरम लगेगा। और फिर से मैं इसे अच्छे से थोड़ा सा मिला लेती हूँ। और अब हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे, और इसका अब हम एक पेड़ा बना लेंगे और फिर हम इसे बेलेंगे। मैं इसको यहाँ नीचे सरफेस पे ही बेल रही हूँ, क्योंकि इसे बहुत ही ज़्यादा बड़ा बेलना होगा, मतलब बहुत ही पतला बेलना होगा इसे। आपको इसे मोटा बिल्कुल भी बेलना नहीं है, मतलब आप इसे जितना पतला बेल सकते हो, जो आपका नमक पारा है वो उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। तो इस बात का ध्यान रखें, मतलब आपको एकदम पतली सीट की तरह बेलना है, मतलब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो मैदा को बेलने में तो थोड़ी सी परेशानी आती है दोस्तों, ये मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी आपको पतला ही बेलना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है इसको, वरना जो आपका निमकी है वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हो मैंने इसको बहुत ही बड़ा और एकदम पतला बेल करके तैयार कर लिया है, एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा पतला है। और अब हम इसे कट करेंगे। तो कट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक चाकू लिया है, आप चाहे तो पिज्जा कटर भी ले सकते हो। और अब मैं इसे कट करूँगी, तो मैं इसे पहले लंबा लंबा काट रही हूँ। तो जब भी आप नमक पारा बनाएं, इस तरीके से एक बार ज़रूर फॉलो करिएगा, जो आपका नमक पारा है वो एकदम ही परफेक्ट बनेगा। और अगर आपसे यहाँ पे आपसे नहीं कट रहा है तो आप यहाँ पे स्केल लेकर भी काट सकते हो, एकदम इक्वली कटेगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने पहले लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है, और अब मैं इसे स्क्वायर शेप में काट रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे डायमंड शेप में भी काट सकते हो, नहीं तो फिर जो लंबा लंबा जो बड़ा बड़ा पीस होता है वैसे भी आप काट सकते हो। तो मैं यहाँ पे छोटा छोटा पीसेस में स्क्वायर शेप में काट रही हूँ।
ये देखिए दोस्तों, तो मैंने काट लिया है और अब मैं इसे चाकू की सहायता से ही उठा लूँगी। ये एकदम आसानी से उठ जाएगा, यहाँ पे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम आसान तरीके से उठ जाएगा चाकू की सहायता से। ये देखिए, और सबको मैं अब उठा लेती हूँ एक बाउल में। और अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। तो फ्राई करने के लिए तेल मैंने यहाँ पे ले लिया है, और ये तेल हमारा मीडियम गरम है। आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेल गरम नहीं लेना है, तो नहीं तो फिर जो आपका नमक पारा है वो एकदम फूलेगी और चपटी हो जाएगी। तो ये आप देख पा रहे हो कितना ज़्यादा फूल चुका है ये सब, जो छोटे छोटे जो नमक पारे हैं, दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और इसको आपको एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, तभी जो आपका नमक पारा है वो एकदम क्रिस्पी बनेगा, नहीं तो फिर बाद में जाके वो सौगी पड़ जाएंगे और खाने में बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस ट्रिक का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और आप देख सकते हो उसका सुनहरा कलर हो चुका है, हल्का हल्का इसमें कलर आने लगा है, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। और अब हम इसे निकाल देंगे बाहर। और ये देखिए दोस्तों, मैं आपको और एक बार फ्राई करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, फ्लेम को आपको यहाँ पे मीडियम रखना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे आपको इसे फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे फ्राई मत करिएगा, नहीं तो फिर जो आपका नमक पारा है वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं बनेगा। ये भी फ्राई हो चुका है और इसे भी मैं अब एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो ये लीजिए दोस्तों, एकदम परफेक्ट तरीका से खस्ता कुरकुरा नमक पारा हमारा बन करके तैयार हो चुका है। तो आप भी इस ट्रिक को अपना करके एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप इस नमक पारे या निमकी को चाय के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। और आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी हो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और फैमिली एंड दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये।